तो अभी बोल रहा है जो 1 महीने का बाद जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा, तो उसमें 1 महीने का अंदर अंदर वो लोग क्या करेंगे, या सबको नाम देंगे या कि सबका नाम कैंसिल करेंगे, वही तो पता नहीं चल रहा है। 24-year-old Rahman is worried. A live-in help in Mumbai, he wonders if he'll make it to Assam's final National Register of Citizens or NRC that comes out on 31st July. One that could make Rahman a citizen of India or could declare him stateless. The irony, Rahman says, is that he and his forefathers are all Assamese. और लोग तो पहले से असम में थे कि और लोग का लिगेसी जो डाटा लिगेसी है सब असम में और लोग का सब ठीक ही चल रहा है। तो फिर हम दुबई है, बाइक है, एक लड़की है बस हमारा फैमिली पे, हमारा मॉम डैड भी नहीं है। इन एन अटेम्प्ट टू वीड आउट इलीगल माइग्रेंट्स, असम इज अपडेटिंग द एनआरसी और द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस। इट इज अ लिस्ट ऑफ ऑल इंडियन सिटीजंस फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1951. To make it to the list, your name or your forefathers must be in any electoral roll published up to 24th March 1971. When applications for NRC opened in 2015, Rahman was among the 33 million people who applied. When the draft list came out on July 30th last year, over 40 lakh persons were excluded and given a chance to appeal in the claims and objections round. Then, in July this year, over 1 lakh of those previously included in the draft list were dropped. तो मेरा वही problem हुआ जब 40 lakhs में लोग लोग का नाम नहीं आया था, उसमें मेरा भी नाम नहीं आया था। तो फिर मेरे को जाना पड़ा, जाके मैं document फिर से जमा किया। मैंने document पहले से दे रखा था, फिर से फिर वही document reply किया, फिर वही document दिया। फिर अभी रिसेंटली जो आया था उसमें भी बोला मेरा नाम नहीं आया, तो मेरा फिंगरप्रिंट चाहिए। फिंगरप्रिंट के प्रॉब्लम से नहीं हो रहा है, मेरा बाइक आ गया था मेरा नहीं आ रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों बोलता है, तुम्हारा डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम हुआ या नाम से प्रॉब्लम हुआ कुछ। रहमान क्लेम्स हिज ब्रदर, हिज ओनली लिविंग रिलेटिव हैज मेड इट टू द फाइनल लिस्ट, सो ही शुड टू, बट द वेट इज एग्नाइजिंग, एस्पेशियली सिंस ही सेज He has submitted his documents twice. यही समझ में नहीं आया, क्योंकि अभी जो 2015 से जो चालू हुआ एनआरसी का काम, तो 40 लाख का इतना प्रॉब्लम हुआ, ऊपर से ये रिसेंटली एक लिस्ट निकला उसमें से और 1 लाख, तो 41 लाख का नाम लोगों को कैंसिल हुआ। तो 2015 से चार पाँच साल हो गया, तो उसमें से कुछ काम नहीं हुआ, 41 लाख का लोगों का कुछ अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। तो अभी बोल रहा है जो 1 महीने का बाद जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा, तो उसमें 1 महीने का अंदर अंदर वो लोग क्या करेंगे, या सबको नाम देंगे या कि सबका नाम कैंसिल करेंगे, वही तो पता नहीं चल रहा है।